अपना वक्तव्य रखूंगा विशेष उल्लेख का। विशेष उल्लेख का विषय 33% महिला संरक्षण बिल को संसद में जल्द से जल्द पारित किया जाए। मैं 33% महिला संरक्षण बिल को संसद में जल्द से जल्द पारित करने की मांग करता हूं। भारत के सारे सांसद और राजनीतिक दल महिला सशक्तिकरण के लिए अपनी दृढ़ संकल्प प्रकाश करते हैं, मगर भारत की स्वाधीनता के 75 वर्ष के बाद भी 33% महिला संरक्षण बिल संसद में पारित नहीं हो पा रहा है। आज मैं केवल सरकार से नहीं, संसद के हर सांसद और उनके संसदीय पार्टियों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि हम सब एकजुट होकर महिला संरक्षण बिल को संसद में पारित करें। नवंबर 2018 को ओडिशा की विधानसभा ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी की अगुवाई में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव की मांग थी कि भारत में 33% महिला संरक्षण संसद और सारे विधानसभाओं में लागू किए जाए। मान्यवर, उतना ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने 22 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के पास बीजू जनता दल के 22 प्रतिनिधि मंडलों को भेजा और संसद में महिला संरक्षण बिल को पारित करने के लिए समर्थन मांगा। कई दलों ने समर्थन भी दिया। 2019 चुनावों में माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने 33% महिला संरक्षण बीजू जनता दल के लोकसभा सीटों पर लागू किए। वन सेकेंड डॉक्टर पात्रो, योर हिंदी स्पीच डज नॉट टैली विद द इंग्लिश वर्जन। सर, ऊपर नीचे हो गया सर, चैट बिकॉज आई एम गिविंग द ट्रांसलेटेड वर्जन सर। लोकसभा, क्योंकि द कंटेंट इज एग्जैक्टली द सेम एज यू कैन सी सर। नो, देयर आर सम डिफरेंसेस। ये भी एक ऐतिहासिक निर्णय था। अगर भारत वर्ष के इस अमृतकाल में हम सारे सांसद इस संसद में एकता के साथ कई सालों से लंबित इस महिला संरक्षण बिल को पारित नहीं करते हैं तो इतिहास और विशेषकर इस देश की महिलाएं हमें कभी क्षमा नहीं करेंगी। 33% महिला संरक्षण बिल को संसद में जल्द से जल्द पारित किया जाए। थैंक यू।